तेरे अंदर की काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि जो जल रही है विकारों की, उसको स्वाहा करते हुए ऊपर पहुंचना है। इसलिए माँ ने ये स्थान चुना, ये बहुत गहरा है ऊंचाई पर, नहीं तो नीचे भी बैठ सकती थी माँ। ऊंचाई पर क्यों चुना? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचा उठते हैं हमारा माया से कहीं दूरियां बढ़ती चली जाती हैं ऊंचाई, क्योंकि परमात्मा ऊंचाई पर है। हम जहां हैं यह माया है, माया से अति दूर। और जब शरीर थकता है तो आत्मा की वो जागृति प्रकट होने लगती है। शरीर को थकावट जैसी होती है, हमारे अंदर से विकार गिरने लगते हैं। कैसे परमात्मा ने, माँ ने आज ये मौका दिया, अवसर दिया कि जहाँ से ये पवित्र पावन यात्रा शुरू होती है, कहाँ जाने के लिए? माँ की गुफा में। माँ की गुफा जहाँ पर कि माँ ने निवास किया, जहाँ माँ निवास करती हैं, तो यहाँ जहाँ से कि वो चढ़ाई शुरू होती है, कटरा के इस पावन पॉइंट पर जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से माँ को मिलने के लिए कोई अपना पहला कदम बढ़ाता है। माँ को मिलने के लिए, माँ से मिलन करने के लिए, अपनी जगत जननी से मिलने के लिए, क्योंकि जगत में अनेक माँ, संसार में जन्म देने वाली अनेक माँ हैं। सब ने जन्म लिया माँ की कोख से, पर सब माओं की, सब पिताओं की वो जगत जननी माँ एक ही है। और वो एक माँ को हम माँ वैष्णो के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि माँ का वो शांत स्वरूप है। फिर कहीं माँ काली के नाम से पहचानते हैं, माँ सरस्वती के नाम से पहचानते हैं। और वो तीन रूप अपने को इस स्थान पर, जहाँ पर हमने कहा गुफा है, वहाँ पर स्थापित कर अपने को अंतर ध्यान कर दिया, स्थापित किया अपने को उस गुफा में, और वहाँ से अंतर ध्यान हो गई, यानी कहीं हाइड कर गई, छुप गई। जैसे बचपन में बच्चे अपनी माँ के साथ गेम खेलते हैं हाइड एंड स्लीक, माँ छुप जा मैं पकड़ूंगा, फिर बच्चा ढूंढता है माँ को और फिर वो खुश हो जाता है जब माँ मिलती है। ऐसे ही माँ इस गुफा में, जहाँ आज हम पावन स्थान पर बैठे हैं, ऊपर गई और छुप गई, फिर वहाँ पर स्थापित किया अपने को और छुप गई इन पहाड़ों में। तभी हम कहते हैं उच्चे पहाड़ों वाली माता, वो पहाड़ों में छुप गई, ये त्रिकुटा पर्वत में छुप गई और कहा बच्चे अब मुझको खोज, मुझको ढूंढ, हाई एंड स्लिक गेम है ये, माँ को खोज, मुझसे मिल गया तो तू गेम जीत गया, गेम जीत गया। और ये गेम जीतने में तुझे जो मैं फल दूंगी, गिफ्ट दूंगी, वो है मोक्ष, मुक्ति। इस जन्म मरण से तेरा निकल जाना होगा, पर तुझे मुझे खोजने आना पड़ेगा। तो ये पावन स्थान, पवित्र स्थान जहां हम बैठे हैं, इस कटरा के स्थान पर जहां से कि हम चढ़ाई शुरू करते हैं, कहा वो माँ के गुफा के स्थान तक। वहाँ गुफा में माँ स्थापित हैं पिंडी के रूप में, और फिर कहती है खोज मुझको, मैं यही हूँ। अब माँ को खोजने के लिए कहा कि तीसरी आँख चाहिए। इन आँखों से जो माँ ने हमको दी हैं,
संसार की माँ को खोजा जा सकता है, पर तीसरी आंख जो है उससे जगत जननी को खोजा जा सकता है, क्योंकि माँ इस शरीर से पार हो गई। माँ जब शरीर में है तो शरीर की आंखें खोज सकती हैं, जब माँ अशरीर में हो गई तो माँ ने कहा अब तुझे मुझे पाने के लिए, मुझे खोजने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए तीसरी आंख का इस्तेमाल करना होगा। वही तीसरी आंख जो हम सुनते आए हैं संसार में। तो शरीर की दो आंखें संसार के अंदर माया को खोजती हैं। तो माया ममता, इसलिए हमने माँ का जगत जननी का एक स्वरूप ममता मई का, तो ममता यानी माया की माँ, संसार को जन्म देने वाली माँ जो शरीर को जन्म देती है, तो वहाँ पर शरीर की आंखों से खोजा जा सकता है। और उस खोजने में कहीं मौज आती है पर टेम्परेरी है, फिर मौज खो जाती है। देखो हम बड़े होते गए, अब माँ से हाइड एंड सीक गेम क्या है, अब हम उस गेम का मजा नहीं लेते, माँ से दूर होते चले गए। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है माँ से दूर होता चला जाता है संसार में। और जगत जननी जो कि इस संसार की सारी माओं की माँ है, वो कहती है तू मुझको खोज, क्योंकि मैं तो आज भी तुझसे खेलना चाहती हूँ, क्योंकि आज भी तू मेरे लिए बच्चा ही है, क्योंकि मैं इस शरीर की आयु से उस अशरीर तक ना जाने कितने लाखों साल तेरे से बड़ी हूँ, पर तू तो मेरे लिए बच्चा ही है, तू चाहे 70 साल का है 80 साल का है। संसार की माँ कहती है तो बच्चा रह गया क्या, जब बच्चा पड़ा हो जाता है तो माँ कहती है तू बच्चा नहीं रह गया, पर जगत जननी कहती है तू मेरे लिए बच्चा ही है, कि तेरी 100 साल की भी आयु है मेरे लिए वो 1 साल भी नहीं है, 1 महीना ही है, इसलिए मुझे खोज। तो ये जो यात्रा है जो हम कहते हैं यात्रा, हम बैठे ना, यात्रा यहां से शुरू होती है, जर्नी किसकी, गॉड होम जर्नी। माँ कहाँ है, गॉड होम, क्योंकि माँ को हमने भगवान का दर्जा दिया है, भगवान गॉड। तो माँ जो है कह रही कि यहां से तेरी यात्रा शुरू हो, जर्नी शुरू हो, पर किस चीज के लिए, मुझको पाने के लिए। यहां से जब तू चले तो हर पल तेरी श्वास श्वास में मैं होनी चाहिए, मुझे खोजने की तेरे अंदर प्यास होनी चाहिए। इसलिए ये कहीं जो कहा इतने किलोमीटर ऊपर जाना है तुझे ऊपर, क्योंकि यात्रा सदा ऊंची है, हम परमात्मा को जब भी देखते हैं ऊपर देखते हैं आकाश में, इसलिए आकाश में कहीं माँ ने अपने को ऊंचा स्थापित किया कि ऊंचा, क्योंकि जैसे जैसे तू ऊपर चलेगा माया की इस धरती से तू उठता चला जाएगा, माया से उठता चला जाएगा तो तेरे अंदर मुझे पाने की प्यास बढ़ती जाएगी। और हर कदम पर तुझे ये भूलना नहीं है कि तेरे मन में सिवाय माता के कुछ ना चले, मेरे सिवाय कुछ ना चले। इसलिए हम जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जय माता दी, जय माता दी, माता दी, माँ 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 माँ, इतनी बार माँ का नाम लेते हैं ताकि माँ जो है जीवन में प्रवेश कर जाए, हम माँ को खोज लें, ये गेम जो है जीत जाए, तो फिर जीवन के अंदर अशांति नहीं होगी। क्योंकि जब हम गुफा से नीचे उतरेंगे माँ से मिलन कर तो सारे अपने विकार वहीं छोड़ते हुए उतरेंगे, क्योंकि जब तक अंदर के 5 विकार हैं तेरे पास तब तक तेरी तीसरी आंख नहीं खुल सकती। ये 5 विकारों का विसर्जन तुझे चलते हुए करना है, चढ़ते हुए करना है। तेरे अंदर की काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि जो जल रही है विकारों की, उसको स्वाहा करते हुए ऊपर पहुंचना है। इसलिए माँ ने ये स्थान चुना, ये बहुत गहरा है ऊंचाई पर, नहीं तो नीचे भी बैठ सकती थी माँ, ऊंचाई पर क्यों चुना, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचा उठते हैं हमारा माया से कहीं दूरियां बढ़ती चली जाती हैं ऊंचाई, क्योंकि परमात्मा ऊंचाई पर है, हम जहाँ हैं या माया है, माया से अति दूर। और जब शरीर थकता है तो आत्मा की वो जागृति प्रकट होने लगती है,
शरीर को थकावट जैसी होती है, हमारे अंदर से विकार गिरने लगते हैं। देख जब तू बहुत थका हुआ हो तो गुस्सा कर सकता है, बहुत थका हुआ तेरे अंदर काम वासना जाग सकती है, जब बहुत थका हुआ तेरे को लोभ दिखाई देता है, आराम चाहिए। जब तेरे अंदर थकावट होती है तो तेरे अंदर से विकार अपने आप गिर जाते हैं। इसलिए माँ ने ऊंचा ऊंचा सुना कि ऊपर चढ़ता जा। एक है जो तू शरीर से थकते हुए, विकारों को थकाते हुए अंदर आत्मा से मिलन करता जा, ज्योत से मिलन करता जा, और एक है कि माँ से तेरा प्रेम इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि कहीं विकारों को जगह ही ना रहे। प्रेम तेरा इतना बढ़ जाए, श्रद्धा तेरी इतनी आ जाए कि तेरे अंदर माँ के सिवाय कुछ ना हो। जब किसी से प्यार हो जाता है तो संसार को हम भूल जाते हैं। या तो प्यार को इतना बढ़ा दे कि तेरे अंदर दूसरा बचे ही ना, माँ ही रह जाए, और या फिर शरीर को इतना थका दे कि तेरे अंदर के विकार चूर हो जाएं। तो दो तरह से दो मार्ग हैं। एक है प्रेम, प्रेम के लिए जरूरत नहीं, तो यहां से उड़ जा, हेलीकॉप्टर से उड़ जा, प्रेम में परिभूत हो गया, भक्ति प्रचंड हो जाए तो माँ से मिलन हो जाएगा। पर अगर प्रेम नहीं, संसार के अंदर कहीं अंदर विचार चल रहे हैं, तो विचार तेरे जो है तेरी थकावट से दूर होते चले जाएंगे। जब तू चढ़ेगा ऊपर, पसीने आएंगे, तो जय माता दी हाँफते हुए काम क्रोध लोभ अहंकार गिरेंगे। पर जहाँ पर विकार गिरेंगे, जैसे ही माँ माँ तू करता है तो माँ में ही खोजा, खोजा माँ में, तो फिर माँ से तेरा मिलन हो जाएगा। मिलन के लिए ऊपर जाना है। यहां से चढ़ाई का अर्थ ही है कि मां तुझे मिलने आ रहा हूं, मां तुझे मिलने आ रहा हूं। पिंडी में जब पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो मां वहां से एरो मार्क दे रही है खोजने के लिए, जिन खोजा तिन पाइया। तो मां वहां से एरो मार्क दे रही है। रास्ते में देखते ना बोर्ड लगा हुआ है, कटरा इतने किलोमीटर, जम्मू इतने किलोमीटर, तो ये वहां से मां हमें इंडिकेट कर रही हैं कि मैं यही हूं आसपास, खोज। अब जिसकी अंदर से विकार शून्य हो जाएंगे, वो माँ का वो दीदार कर लेगा, दर्शन कर लेगा, जिंदा माँ का दर्शन। और माँ जिंदा का दर्शन तेरे सारे विकारों को सुहा कर देगा सदा के लिए। तो जब नीचे उतरेगा तो शांत स्वरूप होगा, तो बिल्कुल अंदर से विकार रहित हो जाएगा, श्रृंगार से भर जाएगा। माँ तेरे अंगसंग होगी। जब तेरे अंगसंग माँ होगी तो संसार के अंदर तुझे माया छू भी नहीं सकेगी, क्योंकि जहाँ रोशनी आ जाती है, ज्योत आ जाती है, वहाँ अंधेरा नहीं ठहर सकता। तो माया का अंधेरा, संसार के विकार तुझे छू भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए कहीं ये माँ जगत जननी ने पूरा खेल रचा, ये रचा इसलिए है। परंतु अगर तू इसको नहीं समझा, अगर तूने इसे अपने जीवन में नहीं उतारा, तो फिर खेल बढ़ेगा कैसे? इसे खेल को समझना है। हम यहां से जब चलें तो माँ 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 माँ, अंदर की ज्योत प्रकट हो जाए। अंदर जो ज्योत है, जिसको तू आत्मा कहता है, चेतना कहता है, वो सच्चियां ज्योता वाली है। वो है अंदर की ज्योत, जो धोखा नहीं देती। बाहर की सब ज्योत धोखा देंगी, कितनी भी संसार की ज्योत है, उसको तेरे को कहीं ना कहीं संभालना पड़ता है। पर वो ज्योत प्रतीक है, अंदर की ज्योत, जो तूफान भी उसको बुझा नहीं सकता। तो आत्म ज्योत को देखते हुए तुझे ऊपर चढ़ना है। आत्म ज्योत से प्रेम करते हुए तुझे जय माता दी करते जा और चढ़ता जा। जैसे जैसे तू चढ़ता है, अंदर की ज्योत मशाल बनती जाएगी। पर ध्यान सदा अंतःकरण ज्योत पे रहे, अंदर की माँ पे रहे, तभी जो है पहुंचते पहुंचते कहीं पर भी जगत जननी प्रकट हो जाएगी। क्योंकि माँ तो गुफा में पिंडी के रूप में स्थापित है, पर खुद कहाँ है? बाहर पहाड़ों में घूम रही है, देखती है उस भक्त को जो अंतःकरण की ज्योत में डूबा हुआ है, जो इधर उधर बातें नहीं कर रहा कि चलते चलते बातें हो रही हैं, संसार की बातें हो रही हैं, पर अंतःकरण माँ की ज्योत में डूबा हुआ है। माँ 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 माँ, उसके अंदर कहीं पर भी संसार नहीं है, माया नहीं है। जब अंतःकरण की ज्योत में
वो डूबते हुए ऊपर चढ़ता है तो माँ त्रिकुटा पर्वत पर चारों तरफ अपनी आंख से देख रही होती है, हर एक के मन को पढ़ रही होती है कि अंदर क्या चल रहा है। जिसकी श्वास श्वास में माँ है उसके लिए माँ का मिलन होने वाला है। फिर गुफा तो प्रतीक बन जाती है, तो इसलिए हम जब चलते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब तू चढ़ना शुरू करेगा तो सिर्फ तू और माँ रह जाए, बाकी दूसरा ना कोई। बस कोई जरूरत नहीं है कि हम भाग भाग के चढ़ना है, आराम से चढ़, सहजता में चढ़, क्योंकि यात्रा है ये कोई छूना नहीं है गुफा में जाकर, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि तुझे बस जाकर हाथ लगाना है और आ जाना है, नहीं, मिलन करना है। समय निकाल कर चल, एक घंटा लगे या चार घंटे लग जाए या छह घंटे लग जाए, पर माँ से मिलना है तो सहजता में चलना पड़ेगा, सहज, बिल्कुल जैसे तुझे मालूम ही नहीं है, सिर्फ तेरा चार फुट में ध्यान हो, चार फुट, सिर्फ सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, मार्ग है तो मार्ग दिखाई दे रहा है, कानों को और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ गूंज रही है अंदर तो माँ, अंदर सिर्फ माँ, फिर तो पहुंच गया, फिर तो मिल गया। क्योंकि जब तेरा ध्यान अंतःकरण में चार फुट के बाहर दर्शन करते हुए जाएगा 100% तेरा माँ से मिलन होगा, माँ से 100% मिलन होगा, क्योंकि माँ कहती है निरंतर मेरा ध्यान कर, निरंतर मेरा ध्यान कर, और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ध्यान तेरा मुझसे हटे ही नहीं, मेरे अंदर की ज्योत से हटे ही नहीं, तो मैं प्रकट हो जाऊंगी। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी हम चढ़ाई चढ़ेंगे तो बस नमस्ते, गुड बाय, दोस्त, चाचा, ताऊ, माँ, बाप, सबको नमस्ते, चढ़ेंगे ऊपर मिलेंगे। अब ऊपर अगर आप भागकर दो घंटे में चढ़ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट, पर मेरे को बीच में डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि यहाँ से यात्रा अकेले की है, दो की नहीं है, अकेले की यात्रा है, आया अकेला जाएगा अकेला, इसलिए माँ से मिलन एकांत में होगा, अपने अंदर से होगा। तो अपने अंदर तेरे को डूबना है, बाहर कुछ दिखाई ना दे, बाहर कुछ सुनाई ना दे, सिर्फ एक ही गूंज चलती रहे अंदर, माँ माँ माँ। जब अंदर माँ 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 चलेगी तो माँ प्रकट होगी। पर अगर हमारा ध्यान लेफ्ट एंड राइट और चलता रहेगा और हम सोचेंगे एडवेंचर है ये तो, कि चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और बड़ा तो कहे मैं तो डेढ़ घंटे में चढ़ गया, दो घंटे में, ये कोई कंपटीशन नहीं है, माँ से मिलन का कोई कंपटीशन नहीं है, तेरे को माँ को मिलने के लिए आया है, माँ से मिलन मुक्ति है, मोक्ष, जन्म मरण से छुटकारा। इसलिए अंदर की भक्ति को जगाना है, भक्ति, भक्ति कैसे आएगी, जब प्रेम की प्रकाष्ठा होगी, जब अंदर से कोई राग द्वेष नहीं होगा, जब अंदर से माया का कोई सिमरन नहीं होगा, कोई ध्यान नहीं होगा, अंदर सिर्फ और सिर्फ माँ चले, तो अंतःकरण में शुद्धता कैसे आए, अंतःकरण में विकार कैसे गिने, उसके लिए माँ 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 माँ। अब इसमें जरूरी नहीं है कि पड़ोसी सुने उसको कि जोर की बोलना है, अंतःकरण में तेरी श्वास श्वास में माँ चले। कैसे, चढ़ाई चढ़ेगा तो मुख से शब्द निकले माँ, फिर अंदर मन में चले माँ, और अंत में माँ मौन हो जाए तेरे अंदर। अजप्पा, जप से शुरुआत हो और अजप्पा तक पहुंचना है, मुख से शुरुआत हो और श्वासों तक पहुंचना है, तब जाकर माँ से मिलन होगा। शब्द शुरुआत है, निशब्द मिलन है, इसलिए कहा अंतःकरण में डूबना है, क्योंकि कहे कि लगातार बोलता जा, नहीं, शब्द है जो बोलना वो भी शांत हो जाए पर बोलना खत्म ना हो, ऐसा बोलना कि जैसे कि श्वास श्वास में अब माँ ही रह गई, श्वास से आवाज आने लगी माँ 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 माँ, तो फिर माँ आती होगी, आती होगी, जल्दी से मिलन होगा। पर अगर अंतःकरण में प्यास है, फिर मैंने तुझे कहता हूं प्यास चाहिए,
यहां आया है अगर मां को मिलन करने के लिए तो प्यास चाहिए, अंतःकरण में प्यास, किससे? जिंदा मां से मिलन की, जीवित मां। तो जीवित मां जगत जननी तभी मिल सकती है जब अंदर तड़प हो, तड़प, अंदर कुछ और ना चले, तो शुरुआत होठों से और फिर मन में और फिर आत्मा में पहुंच जाए, आत्मा में। और वहां पर जब आत्मा में पहुंच जाती है मां की आवाज, तो मां प्रकट होती है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब हम ऊपर चढ़े तो अंदर सिवाय मां के कुछ ना हो, मुख से शुरुआत, मन में आना और आत्मा में खो जाना, शब्द से शुरुआत और निशब्द तक पहुंचना है, आवाज से शुरुआत और मौन तक जाना है, क्योंकि मां मौन में मिलेगी। पर मौन ऐसा कि शुद्ध बुद्ध खोजा, सिर्फ 4 फुट में ही खोजा, इतना होश सदर है कि चल रहा है परंतु कहीं पर भी तू नहीं है, चल रहा है, देख रहा है इस चलते हुए शरीर को, जगत जननी के दिए शरीर को, और आत्मा की ज्योत अंदर से प्रकट होने लगी, मशाल बनने लगी। जब तक गुफा पहुंचेगा, मां तो द्वार पर इंतजार कर रही है, आ मेरे बेटे, आ मेरे लाल। देखते हैं ना, अरे जन्मों के बाद मिलन होना है तो क्या मां भागती नहीं आएगी तेरे पास? ना जाने कहां टकरा जाए कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। पर अंदर तड़प चाहिए, अंदर प्यास चाहिए। अगर अंदर प्यास नहीं है, तड़प नहीं है, तो बाहर से तुझ भले दर्शन कराए पर अंतर्मुखी दर्शन नहीं हुआ तो यात्रा कहीं अपूर्ण ही रह गई। यात्रा को पूर्ण करने के लिए अंदर से आग लगानी होगी, तड़प जगानी होगी, प्यास जगानी होगी, तो फिर मां का मिलन जरूर होगा, क्योंकि मां तेरी जन्मों से इंतजार कर रही है। त्रेता युग से कलयुग आ गया, हमारे कितने जन्म हो गए, कितनी बार मर गए हम, मां से क्यों नहीं मिलन हुआ? क्योंकि अंदर की वो तड़प, अंदर की वो अगन नहीं आई। तो मां के इस पावन स्थान पर, कटरा के इस पवित्र जगह पर, जहां से चढ़ाई शुरू होती है मां की गुफा तक जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो इस हाइड एंड स्लीक गेम में आज तुझे अपनी मां को खोजना है, मिलना है। और उसके लिए रास्ता तुझे दिया कि जब तू चलेगा तो अंदर तेरे सिवाय मां के कुछ ना चले, शुरुआत मुख से हो, अंदर मन में जाए और फिर आत्मा में खो जाए, तब जाकर मां से मिलन होगा। अब कहां होगा जरूरी नहीं, फिर मां हर जगह, हम चलेंगे तो मां बाणगंगा पे भी रुक गई, मां अधकुआरी में भी रुक गई, मां गुफा तक पहुंच गई, क्या पता कहां तेरी इंतजार कर रही है और कहां से जोन सा बीच में और एक तेरे लिए स्थान बना दे। फिर कहेंगे अरे मां यहां प्रकट हुई थी, यहां मिलन हुआ था, तो वो भी स्पॉट बन गया। तो इसलिए तेरे को मां पुकार रही है, तभी तो यहां पहुंचा। सब नहीं पहुंच पाते, ये सब आ गए वैष्णो देवी, वैष्णो देवी भी वही पहुंच पाता है जिसको मां वैष्णो याद करती है। जन्मों की हमारी तप होता है, यात्रा तभी मिलती है। कई बारी गंगा सामने आ जाए परंतु हम जल नहीं पी पाते। आज हम देखो पहुंच गए परंतु हम ना मिलन कर पाए तो क्या होगा? इसलिए कहा सच्ची प्यास बढ़ा, चढ़ने से पहले अंदर प्यास को बढ़ाओ ताकि प्रयास में कोई कमी ना रह जाए। और अगर प्रयास में कमी नहीं रहेगी तो मां का प्रसाद उतरेगा, प्रसाद तेरे जीवन में उतरेगा। क्या है प्रसाद? मुक्ति, मोक्ष, वो है प्रसाद। एक प्रसाद जो तू लेके आएगा, एक प्रसाद जो मां से मिलेगा, जिंदा मां से। मां जिंदा क्या देती है? मोक्ष, मुक्ति। इसलिए जीवन के इस पल को खोना मत, क्योंकि ये मौका जन्मों के बाद मिलता है। यहां से यात्रा शुरू होगी और मां की गुफा से पहले ये कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी मिलन के लिए। ये तुझको झांकना है, तुझको देखना है कि कैसे अंतःकरण में उस मां से पुकार देनी है, तेरी पुकार मां से मिलान कराएगी, है ना? अंदर से पुकार करनी है, अंदर से, अंतःकरण से पुकार।
मुख से पुकार शुरुआत है, बिगिनिंग। मन से आत्मा तक पहुंच जाए गहरे में, प्रेम से पुकार, मां दौड़ी दौड़ी आएगी। प्रेम 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 के बस जैसे जन्मों से प्यासा बैठा था, कब दर्शन होंगे तेरे, कब मिलन होगा तेरा। तो फिर मिलन होगा, मां उतनी ही प्यासी है जितनी तेरी प्यास है। अगर तेरी प्यास पूरी नहीं है तो मां भी पूरी प्यासी नहीं है मिलने को, क्योंकि जन्मों से तूने अपनी मां को बैरंग छोड़ा है। तू मर जाता है पर मां से मिलन नहीं करता। जन्मों से तूने मां को जो उनसे उदास किया है, क्योंकि तूने हर बार धोखा दिया, पर इस जन्म में मां को धोखा ना दियो, मां से मिलन करियो। इसलिए जब यहां से यात्रा शुरू हो तो मैं और मां, दूसरा ना कोई। भूल जा 24 घंटे के लिए संसार को, भूल जा तेरी माया को, भूल जा मैं मेरा को, भूल जा सिर्फ मां 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 मां। तो फिर मां से मिलन होगा। तो ऐसा उम्मीद करता हूं, अब इस चढ़ाई में अंतःकरण में मां से मिलन की धारणा करते हुए, मां के वचनों का ध्यान करते हुए, हम इस जिंदगी का समाधान लेकर उतरेंगे। समाधि जिसको का समाधान, के मिल गया मुझे मेरा जीवन हार, मिल गई मुझे मेरी मां। और इस संसार में जब लौटेंगे ऊपर से, तो तू नहीं होगा, मां ही होगी तेरे अंदर। और तभी ये जीवन इस माया के लोक में आनंद पूर्वक बीतेगा, और तू मां की महिमा करते हुए इस शरीर से प्रस्थान कर मां के उस सचखंड पहुंचेगा, उस द्वार जहां पर मां तेरी जन्मों से प्रतीक्षा कर रही है सदा सदा के लिए अपने साथ बिठाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये यात्रा जो आज इस पावन स्थान पर आए हो, कटरा के इस स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से ये चढ़ाई शुरू होगी, जहां मां ने मौका दिया यहां बैठने का, शुरुआत से पहले तैयारी का, सब इसमें सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। और अगर ऐसी कामना में तुम आसक्ति भी रख लो तो भी खराब नहीं, क्योंकि मां को पाना है। माया से आसक्ति बहुत की, अटैचमेंट बहुत की, मां से मिलने की अटैचमेंट रख लो चलेगा। संसार की अटैचमेंट तो छूटेंगी, मां से अटैचमेंट करोगे संसार की अटैचमेंट तो छूटेगी। तो मां मिल जाए, जगत जननी मिल जाए, तो ये जन्म सफल होगा, धन्य धन्य होगा।